मकर संक्रांति भारत का एक प्रमुख त्यौहार है। इसे पूरे भारत में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में मकर संक्रांति या खिचड़ी के नाम से मनाया जाता है। दक्षिण भारत में इसे पोंगल के नाम से मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी और असम में बिहू के नाम से भी मनाया जाता है। यह पर्व जनवरी के 14 या 15 तारीख को मनाया जाता है, जब सूर्य धनुष राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है, तो उस दिन को मकर संक्रांति का शुभ दिन माना जाता है। मकर राशि के देवता शनिदेव को माना जाता है, इसलिए इस पर्व को मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन लोग अपने घरों में तिल चावल दाल को मिलाकर खिचड़ी बनाते हैं, जो एकता का प्रतीक है। इस दिन पतंग उड़ाना शुभ माना जाता है तथा इसी दिन से पतंगों का उड़ना भी शुरू हो जाता है। इस त्यौहार में दान देना भी शुभ माना जाता है। कुछ धार्मिक कथाओं के अनुसार भागीरथी ने अपने पूर्वजों को गंगा में दर्पण किया था। इसी दिन गंगा सागर में जाकर समाहित हुई थी और महाराजा सागर के पुत्रों का उद्धार किया था। इसलिए मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में डुबकी लगाने से आपके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा मानना है। कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। मकर संक्रांति अनेक धार्मिक ग्रंथों से जुड़ी हुई है। इस दिन हमारी प्रकृति भी बहुत ही सुंदर और बहुत ही आर्द्र दिखती है, इसीलिए पूरे देश में इस त्यौहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।